हेलो एवरी वन एंड वेरी वम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस सोशल सिक्योरिटी के अंदर आज एक इंपॉर्टेंट स्कीम डिस्कस करेंगे दैट इज योर स्माइल स्कीम तो देखेंगे स्माइल स्कीम क्या है बेसिकली एक स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशिएटिव करके भी न्यूज़ में था तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सोशल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स दोनों एस्पेक्ट्स को ये बेसिकली कवर करेगा सोशल सिक्योरिटी प्लस करंट अफेयर्स तो जो बच्चे करंट अफेयर्स के वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए ये सोशल सिक्योरिटी के जितने भी वीडियोस हैं जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस डाले हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं ये सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें एक भी लेक्चर आपने छोड़ना नहीं है स्कीम को शुरू करने से पहले जो भी लेक्चर्स की यूट्यूब फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अगर आप एम सी कॉम्बो कोर्स लेते हो जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के तो एम सी हैं ही साथ ही साथ हम इंश्योरेंस और ऑडिटिंग के भी कुछ एम डालेंगे इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग के अराउंड वन टोटल एम होंगे ठीक है दो ये कॉम्बो कोर्स सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट्स के लिए था बट इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग के मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा ओके तो वो आप देख सकते हो और राइट right. सो so, मेनली तो आपके जो ये कॉम्बो कोर्स है वो आई आर एल सोशल सिक्योरिटी और गैप के लिए फिफ्टी परसेंट ऑफ यूज कर सकते हैं यूपीएससी कोड यूज करके एंड अगर आप कॉम्बो कोर्स ले रहे हैं तो पीडीएफ के लिए आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है चलिए तो स्माइल स्कीम के ऊपर आ जाते हैं सबसे पहले तो स्माइल की फुल फॉर्म क्या है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज फुल फॉर्म याद होनी चाहिए सीधा क्वेश्चन वो फुल फॉर्म के ऊपर भी पूछ सकता है अब ये जो स्कीम है बेसिकली एक वेलफेयर स्कीम है रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड टू दीपल एंगेज इन बेगिंग तो दो बेसिकली सोशल ग्रुप्स को ये कवर कर रही है अब इसके अंदर आपकी दो सब स्कीम्स आ जा जा जाती हैं स्माइल के अंदर सबसे पहले तो एक है सेंटर सेक्टर स्कीम सेंटर सेक्टर स्कीम आप जानते हो कि बेसिकली यहाँ पर जो सारे की सारी इंप्लीमेंटेशन है पैसा है वो सब सेंटर का है फॉर कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन ये पहला सब स्कीम है दूसरा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर सब के अंदर क्या -क्या? हैं, वो भी अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो स्माइल स्कीम है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दो हजार बाईस के अंदर यह लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं बेसिकली वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ये कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी टोटल सौ करोड़ रुपए इसको एलोकेट हुए हैं जो अपटिल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ये स्कीम को जो है वो रन किया जाएगा टोटल फंडिंग सौ करोड़ की नेक्स्ट अब बात करेंगे अभी ये जो सब स्कीम्स है हमारी सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन तो बेसिकली नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इसके अंदर बोला गया है कि एडवाइस करेगा पॉलिसी फॉर्मूलेशन मॉनिटरिंग और जो वेरियस पॉलिसीज के इवेल्यूएशन के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल होगा एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्रिएट किया जाएगा स्टेट लेवल के ऊपर एक सेल होगा जिसके जो हेड होंगे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे साथ ही साथ कॉम्पोजिट मेडिकल हेल्थ पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू इनको प्रोवाइड किया जाएगा एंड पैकेज जो है बेसिकली इसके अंदर जेंडर री एफर्मेशन सर्जरीज का भी प्रोविजन है सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स के थ्रू साथ ही साथ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को फॉर स्टडिंग इन क्लास नाइन एंड टिल पोस्ट ग्रेजुएशन जो है स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद जी स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड का भी प्रोविजन है जो पीएम दक्ष योजना के अंदर प्रोवाइड की जाएगी जो भी करिकुलम होगा स्किल डेवलपमेंट का वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड सेक्टर स्किल्स काउंसिल क्रिएट करेंगे ट्रेनिंग का भी प्रोविजन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे गरिमा ग्रह का एक प्रोविजन है जो बेसिकली फूड क्लोथिंग रिक्रिएशनल एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा जो रेस्क्यूड पर्सन हैं ई e सर्विसेज जैसे कि नेशनल पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइन एडवर्टीजमेंट वो सब प्रोवाइड किया जाएगा एंड सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस जनरेशन का भी प्रोविजन इसके अंदर रहेगा नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग इसके लिए बेसिकली स्कीम सबसे पहले कहती है कि जो कॉज है जो रूट कॉज है बेगिंग का उसको एड्रेस करना होगा जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं बैगिंग के अंदर उनको मोबिलाइज करना और फिर उनको बेसिक सर्विसेज जैसे कि शेल्टर रिहेबिटेशन हाइजीन फूड क्लोथिंग ये सब प्रोवाइड कराना है उसके बाद स्किल डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है ताकि वो बैगिंग से बाहर निकल के एक प्रोडक्टिव काम के अंदर इन्वॉल्व हो सकें अब जब हम स्माइल स्कीम की बात करेंगे तो स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशियटिव न्यूज के अंदर था बेसिकली इसके अंदर क्या है ना सेवेंटी फाइव म्यूनिसिपल को आइडेंटिफाई किया गया है जो कॉम्प्रीहसिवली रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करेंगे फॉर पर्सन हु आर यू नो बेगिंग के अंदर जो इन्वॉल्व हैं ठीक है तो ये सेवनटी फाइव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हाई प्रोबेबिलिटी कॉरपोरेशन हैं उनको यहाँ पर बेसिकली कवर किया जाएगा अब थोड़े से फैक्ट्स रिलेटेड टू बेगर स्टेटस इन इंडिया भी देखेंगे क्योंकि ये न्यूज़पेपर और पीआईबी के अंडर पॉइंट्स कवर थे इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं तो सेंसस 2011 में जो नंबर ऑफ बेगर्स निकल करके आए थे उसमें आपके जो टोटल पॉपुलेशन था दैट वाज फोर लाख थर्टीन थाउजेंड सिक्स सेवेंटी इसके अंदर टू लाख ट्वेंटी थ्री मेल्स थे वन लाख नाइन्टी वन थाउजेंड नाइन नाइनटी सेवन फीमेल थे एंड नंबर जो है वो लास्ट सेंसस यानी कि दो के सेंसस के मुकाबले इंक्रीज हुआ वेस्ट बंगाल ने टॉप किया इन नंबर ऑफ बेगर्स सबसे ज्यादा बेगर्स वेस्ट बंगाल के अंदर थे एंड यूपी और बिहार उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड नंबर पर आए लक्ष्मदेव में लीस्ट नंबर ऑफ बेगर्स थे ओनली टू uh, 2011 यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा बेगर्स पाए गए फॉलोड बाय चंडीगढ़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर असम ने टॉप किया और मिजोरम में सबसे लोएस्ट था अराउंड 53 बेगर्स तो ऑल ओवर इंडिया वेस्ट बंगाल और फिर रीजन स्पेसिफिक या यूटी स्पेसिफिक भी डेटा हमारे पास यहाँ पर है ठीक है तो अगर कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो वहां से आप ये पॉइंट्स कवर कर लेंगे दिस इज इट गाइज फॉर स्माइल इनिशिएटिव नेक्स्ट uh, लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डी एन टीज दैट इज़ डी नोटिफाइड ट्राइब्स उनके ऊपर जो स्कीम uh, यूज में है वो डिस्कस करेंगे सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम कर सकते हो कमेंट कर सकते हो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे सो सी यू एंड टेक केयर